मून हमारी पृथ्वी की एकमात्र परमानेंट नेचुरल सैटेलाइट है जो लगातार हमारी प्लैनेट की चक्कर काटती है। प्राचीन काल से ही द क्वीन ऑफ नाइट यानी मून को लेकर इंसानों की उत्सुकता तरह तरह की कहानी, लेजेंड्स और मान्यता की जन्म देता है और यही आगे चलकर स्पेस रेस का जन्म देता है, यानी अंतरिक्ष को जानने की और उसमें विजय पाने की इंसानों की युद्ध, जो 1969 पर इंसानों को पहली बार इस सिलेस्टियल बॉडी पर लेके गया था। तभी से ही इसके ऊपर इंसानों की खोज और उसको अपना बनाने की भूख बढ़ती चली गई। एज ए रिजल्ट हमें देखने को मिलता है डोमिनोज जैसी कंपनी की मून पर रेस्टोरेंट खोलने की प्लान। लेकिन मून के ऊपर साइंटिस्ट कुछ अजीबोगरीब चीजें करने की भी सोचते हैं, जिसमें शामिल है हमारी आज की टॉपिक द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ऑन द मून। कोल्ड वॉर के टाइम 1975 पर स्पटनिक 1 जो दुनिया की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी उसको लॉन्च करके सोवियत यूनियन स्पेस रेस में अपनी पहला कब्जा जमाना शुरू किया। वही दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स को उसी रफ्तार और यकीन के साथ सक्सेस नहीं मिला, जिसके वजह से आने वाले दिनों में उन्होंने यूनिक प्रोजेक्ट्स पर काम करना स्टार्ट किया। 1949 में आईआईटी रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो उस समय एआरएफ या आर्मर रिसर्च फाउंडेशन के नाम से जाना जाता था, तरह तरह की न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना शुरू किया। और 1945 में ट्रिनिटी न्यूक्लियर टेस्ट यानी पहली न्यूक्लियर वेपन डेटोनेशन के जरिए यूनाइटेड स्टेट्स के पास न्यूक्लियर वेपन की एक स्ट्रॉन्ग फील्ड आ चुका था जो उनको इस काम में सबसे ज्यादा हेल्प किया। इसी दौरान 1958 में एआरएफ ने मून पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया। उसी साल अमेरिकन फिजिसिस्ट लियोनार्ड रेफेल ने जेरार्ड कूपर और कार्ल सैगन की तरह एस्ट्रोनॉमर्स को लेकर एक टीम के साथ इसी प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना शुरू किया, जिसका नाम था प्रोजेक्ट A119। उससे पहले भी 1957 में फादर ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब एडवर्ड टेलर ने सेम प्रोजेक्ट्स को अंजाम देने के बारे में सोचा था। इस प्रोजेक्ट का मेन एम था कुछ प्लैनेटरी और एस्ट्रोनॉमिकल मिस्ट्रीज के ऊपर काम करना, लेकिन साथ ही साथ इसका एक और पर्पस था एक ग्रैंड एस्ट्रोनॉमिकल व्यू यानी मून पर एक ऐसा एक्सप्लोजन जो आज से भी देखा जा सके। शुरू में सोचा गया था इस प्रोजेक्ट के लिए हाइड्रोजन बॉम्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन हेवी वेट की वजह से बाद में डिसाइड किया गया W25 की तरह लाइट वेट बॉम्ब का यूज होगा। लेकिन प्रोजेक्ट A119 के बारे में 1990s तक करीब 45 ईयर किसी को नहीं पता था। बाद में कार्ल सैगन की बायोग्राफी के ऊपर काम करने के समय केई डेविडसन ने इस प्रोजेक्ट को डिस्कवर किया। लियोनार्ड रेफेल ने बाद में इस प्रोजेक्ट के बारे में इंटरव्यूज के दौरान कुछ और रिवील किया था, लेकिन सरप्राइजिंगली इसके पहले अमेरिका को इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ नहीं पता था। 1950s के दौरान न्यूज़पेपर ने एक रूमर फैलाया था कि सोवियत यूनियन सेम एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। कहा जा रहा था कि 1957 के दौरान सोवियत यूनियन बोल्शेविक रेवोल्यूशन की एनिवर्सरी मनाने के लिए ऐसी ही एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन मून पर करने वाले हैं। वैसे यूनाइटेड स्टेट्स की ये प्रोजेक्ट पब्लिक की नेगेटिव रिएक्शन, लॉन्चिंग में गड़बड़ी या न्यूक्लियर फॉलआउट के डर से कभी पूरा नहीं हुआ। आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि आप क्या सोचते हैं कि ये प्रोजेक्ट अगर अकम्प्लिश्ड होता तो इसका इफेक्ट अच्छा होता कि बुरा। Thanks for watching. For more such content, please subscribe to our channel.